कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सर्दी का आनंद ले रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि मैंने अभी मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के लिए एक सॉन्ग किया था। मुझे लगता है आप लोगों ने सुन लिया होगा। नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सबकी आंखों के तारे। तो आप उसे जरूर सुने और अपना आशीर्वाद दें। और यहाँ पर खाने पीने की कुछ तैयारी चल रही है, तो मैडम तैयारी कर रही हैं। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा आइए चैनल है, मिलवाता हूँ मैं। मेरा है चैनल, मेरा है? नहीं मेरा है। अरे आप अरे लोग बताओ किसका है। ठीक है, आप लोग हमेशा से देख रहे हो, ज्यादा कौन आज देखता है आप चैनल में, ये दिखने से नहीं होता कौन ना, मेहनत करता है चैनल में। दिखने से होता है क्या? टी सीरीज में तो अक्षय कुमार ज्यादा दिखा होगा कभी, तो वो अक्षय कुमार की होगी क्या? आप लोग नहीं फैसला लेना दोस्तों। क्या देखो चल क्या रहा तो है? एक खाना मिनट खाया रुको, मेरे बैक लिए कैमरे बना से के दिखाता देखो। हूँ क्या चल रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। स्टफिंग बन के तैयार हो गई है और गर्मा गर्म मूली के पराठे विद लहसुन की चटनी, वाह, यम्मी वाला लंच है। सिर्फ यही बनेगा। गाजर कल बकल रात में बनाया था, तो पहले आप लोग ना वो वाली क्लिप देख लो, कल की मैंने थोड़ी बहुत शूट कर ली थी, फिर मैं आपसे तो बात करूँ। गाइज ये है कल की क्लिप और यहाँ पे मैं लंच बना रही थी, तो साथ में लंच बन रहा है। दाल बनाई है कुकर में, बॉईल हो गई है, कुकर ठंडा होगा तब तक मैं यहाँ पे डो लगा रही हूँ। चपातियों का तो मैंने लगा दिया है, ये मैं मटरी बनाऊंगी उसी के लिए मैं डो लगा रही हूँ। तो यहाँ पे रवा मैदा मैंने ले लिया है, रवा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, मैदा बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है। वैसे मैं सिर्फ और सिर्फ रवे की ही बनाती हूँ, बट मैंने थोड़ी सी मैदा भी ऐड कर दी है। रवा मतलब सूजी की बात कर रही हूँ मैं। ये पहले आ रहे थे, फिर चले गए, फिर आएंगे देखना अभी। और तो यहाँ पे मैंने सोचा कि जब तक हम लोग लंच करेंगे, लंच में बनाऊँगी, तैयार करूँगी, अभी मुझे दाल में तड़का लगाना है, बॉईल तो हो गई है, तो मैंने इनको भी एक काम दे दिया है कि ये जो ऑयल है, रिफाइंड ऑयल, इसको भर दो। और ये स्टील वाले डब्बे में तो मैं भर देती हूँ, बट जो कांच वाली बाटल आपको दिख रही है ना, दो, एक मस्टर्ड ऑयल की, एक रिफाइंड ऑयल की, उसमें मैं नहीं भर पाती। मुझे बहुत रिस्की वाला काम लगता है, मुझे लगता है कि कहीं फैल ना जाए। ये बड़े अच्छे से कर देते हैं, तो ये काम मैं ना इन्हीं से करवाती हूँ। जब ख़त्म हो जाता है ना, तो काफ़ी दिन तक वो ऐसे ही रखी रहती हैं, मैं उनको भरती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल रही हूँ मैं इसमें मोयन के लिए। तो मटरियों का डो लगा के रखूँगी, गर्म पानी से लगाऊँगी, और सर्दियों का टाइम है ना, इसलिए गर्म पानी से लगा रही हूँ। और वैसे भी गर्म पानी से लगाना चाहिए, सूजी अच्छे से फूल जाती है। तो मैं लगा के रख दूंगी, तब तक हम लोग लंच कर लेंगे, मैं दाल में तड़का भी लगा लूंगी। तब तक ये जो डो है ना मठरियों का, ये बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा इनको भी ये काम बता देती, ये भी अपना काम कर लेंगे, और यहाँ पे मैं भी अपना काम कर रही हूँ, तो दोनों जने लगे हुए हैं काम में। तो मैंने सोचा कि लंच करने के बाद आता है आलस, तो पहले मैं डो लगा देती हूँ। जब ये डो मुझे सामने दिखेगा, तो मैं जल्दी से मठरियाँ अपनी बना लूँगी, क्योंकि डो लगाने का सबसे बड़ा आलस है, मुझे पता है। चाहे वो चपाती का हो, चाहे फिर वो मठरी का हो, पपड़ी का हो, किसी का भी हो, मुझे डो लगाने में बड़ा आलस आता है, ख़ास करके सर्दियों में। तो ये देखो, इन्होंने ऑयल अच्छे से भर दिया, बिल्कुल भी नहीं फैलाते, अच्छे से भर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का, और देखो कितने छोटे से फ्राई वाले, जिसमें हम फ्राई करते हैं ना दाल वगैरह, उसी में मैंने तड़का लगा दिया। कढ़ाई नहीं रखी, मैंने सोचा क्यों फालतू में कढ़ाई ख़राब करो, अभी फिर बर्तन मुझे ही तो साफ़ करने हैं, और फिर एक कढ़ाई में मैं मठरी फ्राई करूँगी तो वो वाली भी हो जाएगी। तो मैंने इसमें ही लगा दिया बड़े अच्छे से, लहसुन प्याज टमाटर सब कुछ डाल के अच्छे से लगा दिया है तड़का, और दाल में डाल दिया है। थोड़ा सा मुझे दाल थिक लग रही है, तो उसी में थोड़ा सा गर्म पानी करके मैं दाल में ही ऐड कर दूँगी। तो बहुत सिंपल सा लंच बनाया था, मन कर रहा था कि सिर्फ दाल रोटी खाएं, क्योंकि अभी पाव भाजी ये वो मतलब सब तरह की चीज़ें बन गई हैं। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है, और इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये हमारी गर्मा गर्म यम्मी सी दाल बन के तैयार है। सिंपल सी है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। पता, जितना जल्दी आप लंच बनाते हो, उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। जितना आप मन से बनाओगे ना, उतना स्वाद नहीं आता। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अपना काम लेकर के, लंच हमने कर लिया है, अच्छे से डो सेट हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं मठरियाँ काट लूँगी, और देखो आप कितने सारे तो मैंने काट भी लिए हैं। इस बार मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा सी बना देती हूँ। सर्दियों में तो मतलब खाना अच्छा लगता है कि बैठे बैठे खाते रहो, चाय के साथ हम दोनों ही खाते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मठरी बनाने वाला काम चल रहा है। हेलो
तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी मठरियों को काट लिया है और बड़ी फिनिशिंग के साथ काटती हूँ मैं। और ये काम मैंने अपनी मम्मी से सीखा था, कुछ भी काम करो फिनिशिंग के साथ करो, अच्छे से करो, साफ़ सुथरा करो। तो सारी मठरी बन गई हैं, चलिए इनको हम फ्राई करेंगे। तो काटने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा और इनको फ्राई करने में डबल टाइम लगेगा, क्योंकि बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई किया जाता है। तो आपने आवाज़ सुनी, ये सारी की सारी मठरियाँ बनके तैयार है। जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाएंगी फिर मैं इनको डब्बे में स्टोर करके रख दूँगी। आराम से आप 15-20 दिन तक इनको इंजॉय कर सकते हो। तो अभी बस इनसे फ्री होने के बाद, अभी दोपहर का ही टाइम है, हम लोग मार्केट आ गए थे, मुझे एक दो काम थे, अर्जेंट थे, और जब आए थे तो थोड़ी सी हमने सब्जी भी ले ली थी। और ये दिन के समय में आप देख सकते हैं कितना फॉग है हमारे यहाँ पे, इतनी सर्दी है, बाहर निकलने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी धूप नहीं है, ऐसा लग रहा है कि शाम का टाइम है। आप लोगों को भी लग रहा होगा देख करके, और फॉग भी बहुत है, इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन आना ज़रूरी था, तो बस बिल्कुल पैक होके आए थे और फटाफट से घर वापस चले गए। और ये देखिए लाल लाल गाजरें लेके आई हूँ मैं हलवा बनाने के लिए। पूरी सर्दी चली गई, मेरे पास कमेंट भी आया था, दीदी हलवे की रेसिपी दो ना, तो मैंने बस एक बार ही बनाया था। तो यहाँ पे सेम लेके आए हैं, टमाटर लेके आए हैं, गाजरें लेके आए हैं, धनिया मिर्ची भी लाए थे जो कि मैंने रख दिया, अदरक धो के रख दिया है। तो यहाँ पे गाजरों को मैंने अच्छे से धो लिया, अच्छे से पील भी कर लिया है, पूरी मिट्टी निकल गई है। और बस यहाँ पे मैं इनको ग्रेट करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि इनमें भी टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे इनको ग्रेट कर लेती हूँ और फिर हम बनाएंगे गर्मा गर्म गाजर का हलवा। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना देखने के बाद। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, गैस पे गर्म हो गया, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच भर के घी डाला था। और ये जो गाजर है ग्रेट की हुई, ये हम डाल देंगे, ठीक है। तो सारे की सारी गाजर डाल देना, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, मैं अपना तरीका बता रही हूँ, इसमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बीच में बता दूँगी। तो सारे गाजर मैंने इसमें डाल दी हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए गाजर यहाँ पे 1/2 घंटा हो गया है, कितनी कम हो गई है ना, तो ये सॉफ्ट हो गई है। इस टाइम पे मैंने इसमें ताज़ी ताज़ी मलाई डाल दी है, आज ही की दूध की है। और ये जो दूध मैंने अभी थोड़ा सा डाला है ना, थोड़ी देर के बाद मैंने पूरा का पूरा दूध डाल दिया था, मतलब 1/2 किलो मैंने दूध इसमें ऐड किया था। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मलाई की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपको कितना रिच बनाना है हलवा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चीनी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने डब्बा को अच्छे से साफ़ कर दिया था पूरा, एक दिन में तो ये डब्बा ही सूखा है यार, क्योंकि सर्दियों में पानी भी नहीं सूखता, गर्मियों में तो 1/2 घंटे में सूख जाता है। तो यहाँ पे जो डेली का डब्बा है जिसमें हम चीनी भरते हैं, उसमें ख़त्म हो रही थी, तो उसमें मैंने भर दिया है। और ये बड़ा वाला डब्बा भर के मैं इसको जगह पर रख दूँगी, तो बढ़िया साफ़ हो गया। जब भी कोई चीज़ें ख़त्म होती है ना, तो मैं डब्बे को साफ़ करके ही भरती हूँ। तो यहाँ पे चीनी ऐड कर देंगे, जितना हम मीठा खाएंगे उस हिसाब से, ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगता। तो मैंने यहाँ पे 2 ढक्कन भर के ऐड कर दिया है। और गाजर की क्वांटिटी आपको बता दूँ, 2 किलो गाजर मैं लेके आई थी, ये पूरी 2 किलो गाजर का ही हलवा बन रहा है। तो आपको हलवे की आवाज़ कैसी लगी, अच्छी लगी ना, मज़ा आया ना। तो यहाँ पे देखो हलवा का जो भी चीनी ने पानी छोड़ा था वो अच्छे से ड्राई हो गया है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच फिर से घी लिया, इसमें काजू बादाम ऐड किए हैं। बस इसमें आप खसखस के दाना भी ज़रूर डालना, मेरे पास है नहीं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो है वही डाल रही हूँ। किशमिश मैंने जानबूझ के ऐड नहीं किया, क्योंकि बाद में थोड़े दिन के बाद ना खटास आ जाती है किशमिश की, इसलिए मैंने ऐड नहीं की है। हाथों हाथ अगर आप खा रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मावा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं ऐड किया, क्योंकि मावा वगैरह डालने के बाद हलवा बहुत टाइम तक नहीं चलता। और अगर आपको स्टोर करना है तो फिर बिना मावा के बनाना, आप मलाई वगैरह ऐड कर लो इसमें। तो ये देखिए हलवा बन गया है, मैंने इलायची कूट की भी ऐड कर दी थी, भगवान जी का भोग लगा दिया है। देखिए ना आपने रेसिपी, कल मैंने पता है नाश्ता बनाया था, कल मैंने मठरियां बनाई थी और हलवा बनाया था, तो कल दिन भर उसी में निकल गया था। तो आपसे हाय हेलो भी नहीं की थी, और आज है थर्सडे, आज की डेट क्या है 20। और गाइस आप ऐसे ही हमने आपको बताया था कि जैसे ही हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज है,
और अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं उस चीज़ का, लेकिन बहुत जल्दी उसका अनाउंस कर देंगे। तो यूँ तो देखो आप लोग सब हमारे अपने हो, प्यारे हो, लेकिन आप लोग और ढेर सारा प्यार दीजिए और जल्दी जल्दी हमारे वन लाख सब्सक्राइबर्स करा दीजिए। तो गाइस मूली के पराठे की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ, इसलिए डिटेल में नहीं बताई है। और मैंने आज ये बुलन की कुर्ती पहनी है, और मैं आपको बता दूं कि रिव्यू मैं आपको बाद में ही देती हूँ ना, तो ये जो कुर्ती है ना आप लोग प्लीज इसको बाय मत करना, ठीक है? क्योंकि ये एक या दो बार ही वॉश हुई है, मैंने इसको मौसी के यहाँ पे न्यू पहना था और एक बार मैंने न्यू ईयर पे पहना था, तो सेकंड टाइम ही वॉश हुई है। इसमें इतने ज्यादा ना रूंगे आ गए हैं कि पूछो मत। तो ये कहीं भी पहनने लायक बची नहीं है, बस घर में ही पहनने लायक है, और काफी कॉस्टली भी लगी थी मुझे ऑनलाइन, बट मैंने सोचा कि क्वालिटी अच्छी होगी इसलिए, लेकिन अच्छी नहीं निकली। तो आप लोग बात इसको बाय करना। और यहाँ पे ये देखो चटनी बन के तैयार है, कलर कितना बढ़िया है देखो। ये है हरे धनिये की चटनी, और ये दिखाओ ये है मूली की स्टफिंग, और यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पराठे। तो आज है मूली के पराठों की दावत, और हलवा दिखाऊं आपको। तो कौन कौन आ रहा है? हलवा हम दोनों ने कल रात को खाया भी था, भगवान जी का भोग भी लगा दिया था। चलो तो ये है हमारा लंच, मूली के पराठे, हरे धनिये की चटनी, लहसुन वाली, साथ में है गाजर का गर्मा गर्म हलवा। आप लोग भी आ जाओ। हेलो, तो मिट्टी को चाहिए अदरक, अदरक ये लो। हे बाबू, हेलो, ओ माय गॉड, इतने क्यूट तुम। तुम्हें किसने बताया कि तुम क्यूट लग रही हो? इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? हेलो, अपने आप ही बताओ। ये लड़की अपने आप ही खुद की तारीफ कर लेती है। किसने बताया तुम्हें क्यूट लग रही हो? मम्मी ने। मम्मी ने? दिखा दिखाओ दिखाओ नेल पेंट, दिखाओ इसमें दिखाओ, यहाँ दिखाओ। ओ माय गॉड, इतनी प्यारी नेल पेंट कौन लगाता है भैया? मम्मी ने लगाई है। अच्छा चलो, तो क्यूट लग रही हो आज बाबू आप। हाँ, आप क्यूट लग रही हो, पक्का पक्का। तो मूली के पराठे कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो बस यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ, बस यहाँ पे बना रही हूँ। और मेरे मूली के पराठे ना एक भी नहीं फटता गाइस, इतने अच्छे बनते हैं। आलू का पराठा तो फिर भी कभी कभी, मतलब आलू का जो वो होता है पेस्ट होता है वो बाहर निकल आता है मसाला, लेकिन मूली का भी आप देखना, मैंने जितने भी पराठे बनाए मेरा एक भी पराठा नहीं फटा। तो आप लोग देख लेना मैंने किस व्लॉग में शेयर की रेसिपी, हो सकेगा तो लिंक दे दूँगी। और बहुत ही, जब भी आप कोई स्टफिंग वाले पराठे बनाते हैं ना, तो उनको सबसे पहला जो तरीका है, आप बहुत हल्के हाथों से ना पराठे को बनाओ, और जितना हो सके उतना सूखे आटे में भी रैप करते जाओ और हल्के हाथों से बेलते जाओ, बढ़िया पराठे बनेंगे, फटेंगे नहीं। और फिर मूली की स्टफिंग बनाने का भी थोड़ा सा मतलब तरीका है, जो कि मैंने आपके साथ ब्लॉग में शेयर किया है। तो बस यहाँ पे मैं बनाती जाऊँगी, इनको गर्मा गर्म खिला रही हूँ। और अपने लिए क्या करती हूँ, मैं सारे पराठे बना लेती हूँ जितने मुझे खाने होते हैं, और बाद में लास्ट में मैं ना तवे पर ही डाल देती हूँ सारे के सारे पराठे, और फिर एक 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 पराठा करके मैं लेती जाती हूँ, जैसे ना वो गर्म रहते हैं, गर्म तवे पर डाल देती हूँ तो वो गर्म रहते हैं। तो मैं ऐसे इंजॉय करती हूँ गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि हमें खिलाने वाला तो कोई है ही नहीं। तो बस यहाँ पे मेरे पराठे बन रहे हैं, मीठी और बाबू आई थी ऊपर, तो थोड़ा सा बच्चे खेल रहे हैं, उनको पता चला कि कैमरा लगा है, तो देखो कैमरे के सामने मस्ती चालू है। तो चलिए अभी मैं पराठे बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो चलो भाई, अब हम लोग भी अपना लंच कर लेते हैं, हम मतलब मैं और आप। इतने ज़्यादा स्वाद बने थे ना गाइस मूली के पराठे, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो बहुत ही गरम गरम है, मैं मुझे गरम गरम पराठा खाने में ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हरे धनिये की चटनी के साथ बढ़िया गर्मा गर्म मूली का पराठा सर्दियों में मिल जाए तो फिर क्या बात है। स्टफिंग वाले पराठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं सर्दियों में, है ना? तो बस ये लंच करने के बाद दोपहर में मुझे थोड़ा सा टाइम मिला,
तो मैंने सोचा कि मुझे ना अपने जो पाजे हैं ना उनको क्लीन करने थे, रखे रखे हो जाते ना थोड़े से तो काले लग रहे थे मुझे, मैंने सोचा कि चलो मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ। फिर जब मैंने एक जोड़ किए फिर मैं और लेके आई, फिर उनको भी मैंने इसी पानी में डिप कर दिए। पानी में कुछ भी नहीं है, बस मैंने सर्फ एक्सेल ऐड किया है और कुछ नहीं है। और ये आप देख सकते हो अभी मैंने जस्ट ऐड किए हैं इन पायल को, कितनी ब्लैक हो गई थी। और ये देखो क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आप देख सकते हैं पायल में, खुद ही बताइए। तो बस यहाँ पे ये जो ब्रश होते हैं ना ख़राब हो जाते हैं, इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, ऐसे ही कामों में ये ना यूज़ आ जाते हैं, जैसे कि फ्रिज को क्लीन करना है और ये मतलब जो भी सिल्वर वगैरह होता है इनको क्लीन करना है। और भगवान जी के लिए तो मैंने एक अलग से नया निकाला हुआ है, भगवान जी का ब्रश अलग है। तो बस यहाँ पे ये जो ब्रश है ना ये इसीलिए काम में आते हैं। तो कभी कभी जो कुकर होता है ना उसका ढक्कन भी अच्छे से क्लीन हम इसी ब्रश से करते हैं तो अच्छे से हो जाता है। कितना गंदा पानी हो गया आप देख सकते हैं, मैंने गर्म पानी किया था उसमें डिटर्जेंट डाल दिया था, सर्फ एक्सल डाला था और कुछ नहीं। बस अच्छे से मैं इनको क्लीन कर लूँगी और ड्राई करके फिर इनको रख दूँगी। हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के कितने बज रहे हैं? अभी पौने 11 बज गए अभी, और डिनर वगैरह सब हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस हमारे यहाँ पे एमपी में, बहुत ज़्यादा कि कुछ कह नहीं सकते, इतनी ज़्यादा है मतलब यहाँ बेड से हटने का मन नहीं कर रहा है। और अभी रूम हीटर यहाँ पे मैंने ऑन कर रखा है, वैसे मैं बहुत कम ऑन करती हूँ इसको और इसके सामने भी बहुत ही कम बैठती हूँ, लेकिन क्या करें जब हद हो जाती है ना तो थोड़ा सा ऑन करके बस हाथों को गर्म कर लेती हूँ और ब्लैंकेट के अंदर चली जाती हूँ। तो ये है, अभी मैं थोड़ा सा गई थी ना किचन के सारे काम खत्म करके आई हूँ और सोचा कि ब्लॉग को एंड कर दूं। अब घर से बाहर कहीं भी निकलना नहीं हो रहा है तो घर में ही है, क्योंकि केसेस जो वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे क्या हाल है बताइएगा जरूर, हमारे यहाँ पे केसेस जो है ना बहुत निकल रहे हैं एमपी में। तो फिलहाल तो घर में ही है, कहीं जाना आना भी नहीं हो पा रहा है और सर्दी भी बहुत ज्यादा कड़ाके वाली है और मेरी नोज हमेशा ठंडी रहती है। आप लोग बताना गाइस, आपकी भी नोज ना सिर्फ सर्दियों में रहती है ना एकदम ठंडी? मेरी तो हमेशा रहती है, मैं चाहे मतलब ब्लैंकेट के अंदर बैठी रहूं या मतलब कुछ भी करती हूं मेरी नोज ठंडी रहती है। आपकी रहती है? जो ट्राई करके देख रहे आप लोग भी ट्राई करो ना, रहती है? नहीं रहती। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आपकी रहती है कि मेरी तो बहुत रहती है। अभी भी मतलब हाथ गर्म हो गए, सब गर्म हो गए, लेकिन ये गर्म नहीं हो सकती। तो और ना रेड रेड भी हो जाती है मेरी सर्दियों में, मैं थोड़ा सा बाहर निकल जाऊँ ना ठंड में तो रेड रेड हो जाती है बिना कोल्ड के। तो ये था रूटीन कुछ इस तरीके का ये वाला ब्लॉग। कल मैंने कुछ क्लिप शूट की थी, आज बनाया, फिर दिन भर मेरा कोई ब्लॉग बनाने का, मैं एक्चुअली मैं आपको बताऊँ ना ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा, इतनी ज्यादा सर्दी है ना कुछ बनाने का ना कुछ, बस लगता है कि जल्दी से जाओ किचन में जल्दी जल्दी बनाओ और भगाओ ऐसा हो रहा है मतलब। लेकिन क्या करें यार, काम है वो भी तो करना पड़ेगा, नहीं आप लोग तो वेट करते भी रजाई के अंदर बैठ के आराम से दीदी के ब्लॉग इंजॉय कर रहे हैं ना। एक दिन नहीं आता ब्लॉग तो कमेंट आने लग जाते हैं, तो मन करता है कि अरे यार चलो ब्लॉगिंग करते हैं भाई, सब लोग वेट कर रहे हैं तो करना पड़ता है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे क्या है जरूर बताना, कैसी सर्दी है? हमारे यहाँ पे तो धूप नहीं निकली, आज नहीं निकली, कल थोड़ी सी आई थी, मतलब एक दिन आती है एक दिन नहीं आती, आज बिल्कुल भी नहीं आई थी। और फॉग जैसा रहता है चारों तरफ, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये है, चलिए गाइस इस ब्लॉग को अभी एंड करते हैं और मिलेंगे फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। और जो गुड न्यूज है वाली बात मैं आपको हर ब्लॉग में बोल रही हूँ, थोड़ा सा आप वेट करो। और कुछ लोग मतलब गैस कर रहे हैं बट वो सही है गलत है वो मैं आगे ब्लॉग में आपको बताऊंगी, ठीक है? वैसे हिंट में दे देती हूँ लेकिन कुछ लोग समझ लेते हैं कुछ लोग नहीं भी समझ पाते, कोई नहीं। चलिए गुड नाइट, 11 ही बजने वाले हो गए हैं, एंड कर रही हूँ। शुभ रात्रि हिंदी में बोले तो शुभ रात्रि और बाय बाय। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी आप सभी को कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। चलिए बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।